तो दोस्तों इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच सेकेंड T20 मुकाबला कल से खेला जाना है और इसी के कड़ी में दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं दोनों टीमों की 100% कंफर्म प्लेइंग 11। यही प्लेइंग 11 हमें खेलती हुई नजर आएगी दोनों टीम की तरफ से। तो दोस्तों पूरी डिटेल के साथ वीडियो एंड तक देखिएगा और साथ में ये भी जानिए कि किस टीम के पास कितने परसेंट चांस है ये मुकाबला जीतने का। तो दोस्तों पूरे डिटेल के साथ वीडियो देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 की। तो साउथ अफ्रीका से ओपनिंग करने वाले हैं एजन मार्करम और डीन एल्गर, ये दोनों बल्लेबाज साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। अब बात कर ले हम इन लोगों के मिडल ऑर्डर में, तो साउथ अफ्रीका के मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे डी ब्राउन, टिम्बा बहुमा, फाफ डू प्लेसिस, डी कॉक और मुत्तु स्वामी। ये रहने वाली है साउथ अफ्रीका की मिडल क्रम की बल्लेबाजी। और साथ में अगर हम बात करें तो इसमें डी कॉक सबसे खतरनाक बल्लेबाज है। अब बात करें हम साउथ अफ्रीका की लोअर टेल की, तो साउथ अफ्रीका के लोअर टेल में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे वर्नॉन फिलेंडर, डेन पेट, केशव महाराज और कगिसो रबाडा। ये रहने वाली है साउथ अफ्रीका की लोअर ऑर्डर। और दोस्तों इस प्रकार से रहने वाली है साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। अब बात करें हम दोस्तों इसी के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11, कैसी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 रहने वाली है, क्योंकि पिछला मुकाबला टीम इंडिया जीत के आ रही है तो इन्हें कोई बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं दोस्तों कैसी रहेगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। तो इनके तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं पिछले मैच की तरह रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल, दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में इस समय। अब बात कर लें टीम इंडिया की मिडल ऑर्डर की, तो टीम इंडिया मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी और रिद्धिमान साहा। ये रहने वाली है भारतीय टीम की मिडल ऑर्डर की बल्लेबाजी। अब बात कर लें हम टीम इंडिया के लोअर टेल की, तो लोअर टेल में आने वाले हैं टीम इंडिया के रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, ईशान शर्मा और मोहम्मद शमी। तो दोस्तों इस प्रकार से रहने वाली है भारतीय प्लेइंग 11 और इसमें हमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और जो बातें चल रही थी कुलदीप यादव खिलाने की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आ सकते हैं पुणे के मैदान पे, क्योंकि ये जो पिच है वो भी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के लिए कारगर साबित हो सकती है और इसीलिए कुलदीप यादव को इसमें बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय दोनों स्पिनर इसमें टोटली फॉर्म में है। तो दोस्तों इस प्रकार से रहने वाली है भारतीय प्लेइंग 11 और आपने देखा कि कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। लेकिन अब हम बात करेंगे इस मुकाबले में किसको जीतने का सबसे ज्यादा चांस है। दोस्तों अगर हम बात करें ये मुकाबला जीतने का सबसे ज्यादा हकदार जो टीम है वो है टीम इंडिया। टीम इंडिया के जीतने के मैच के चांस इसमें 65 से 70%, यानी काफी हाई रेटेड चांस है भारतीय टीम को जीतने के। अब बात करें हम साउथ अफ्रीका कितने परसेंट है, तो वो 30 से लेकर 35% तक ये मुकाबला जीत सकते हैं, क्योंकि पूरी जो ये रहने वाली है पुणे के पिच पूरी तरीके से स्पिनर्स के लिए रहेगी। अब पिछला जो मुकाबला था विशाखापट्टनम में वो तो फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ मददगार थी, तो उसमें साउथ अफ्रीका नहीं कर पाई, तो ये पूरी स्पिनर्स के लिए पिच रहने वाली है। तो इसमें देखना होगा कि क्या कर पाते हैं साउथ अफ्रीका के बॉलर्स, लेकिन इस समय काफी मेहनत कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के बॉलर्स और बैट्समैन दोनों तरफ से, तो पूरी तरीके से फाइट होने के लिए तैयार है। तो दोस्तों कल देखने में बहुत मजा आएगा मुकाबला और मैं आपको सेशन वाइज पूरा रिव्यू देता रहूंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल साथ जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों इस बार वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे अगले वीडियो एनालिसिस।